तीन जगह से बहुत बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली है। इससे मैं कहूं कि अभी बीजेपी को इस चीज़ को भी देखना होगा कि कितनी कौन कौन सी सीटों पर हम कितनी कितने वोटों से जीते हैं, क्योंकि इसका इसकी समीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में फंड की कमी तो है, ये क्लियर है कि उनके पास फंड की कमी है, तभी उन्होंने ऐसे ऐप का सहारा लिया, ऐसी जगह से उन्होंने पैसे उगाने की कोशिश करी और पकड़े गए। और ये समझिए कि महादेव ऐप उनको महादेव के नाम पे अगर कोई चीज़ चल रही है तो महादेव माफ़ नहीं करने वाले, जनता माफ़ नहीं करने वाली। आप इतना हार्ड एंड मनी जनता का आप कैसे कर सकते हो ऐसा? न्यूज़ वॉर इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। चार राज्यों के आज नतीजे घोषित हो चुके हैं और तीन में बम्पर जीत बीजेपी को मिल गई है। एक राज्य से कांग्रेस को संतुष्टि करनी पड़ रही है और वो राज्य है तेलंगाना। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया है। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स सही साबित हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पूरी तरह से उलट फेर देखा गया है। लेकिन राजस्थान में शुरू से ही कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है और वो नज़र भी आज आई है। क्या बीजेपी की जो लहर है सिर्फ मोदी मैजिक की वजह से है और बीजेपी को ये फ़ायदा मिला है कि उन्होंने कोई भी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था? देखिए ऐसा है काजोल कि बीजेपी का जो मैं डिसिप्लिन बोलूँगा इसको और जो उनका रिपोर्ट कार्ड उनका था और रिपोर्ट कार्ड पे जो उन्होंने जो वादे किए, जो रिपोर्ट कार्ड आया घोषणा पत्र से, अगर दोनों को कंपेयर करें तो घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी लोकसभा से लेकर वो सारी पूरी करी। ऐसी मुझे लगता नहीं कि कोई उनकी घोषणाएं अधूरी रह गई, बल्कि यहाँ तक स्थिति थी कि अब क्या करें। मतलब 8-9 साल की सरकार में, अब 10वां साल चल रहा है, 9 साल की सरकार में सारी घोषणाएं ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। महंगाई बढ़ी, ये मैं नहीं कहता कि महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी, पर कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी होता है जहां देखा जाता है कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़े और आपके गैस के दाम बढ़े, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पर हाँ, एक मुद्दा था महंगाई भी, बेरोजगारी भी मुद्दा था कई जगह, जैसे आप मध्य प्रदेश में बात करें बेरोजगारी, जहाँ पर देखा जा रहा था कि जो युवा वर्ग है वो लग रहा था कि नाराज़ है शिवराज सिंह से, पर जिस तरह से नया युवा वोटर बना है उन्होंने जिस तरह से बम्पर जीत दिलाई है शिवराज सिंह को, और शिवराज सिंह के जो बीच बीच में सोशल मीडिया पे अब उनके काफ़ी सारे मतलब वीडियो वायरल भी हुए हैं जहां उन्होंने सोशल मीडिया को धन्यवाद किया है, युवाओं को धन्यवाद किया है, या कई ऐसी मीटिंग्स उन्होंने की जहां पर उन्होंने कहा कि क्या मैं परिवार चला रहा था या सरकार चला रहा था, ये आप लोगों को चुनना है। जहाँ कहीं उन्होंने बेटियों को कहा कि क्या मैं एक अच्छा मामा हूँ या नहीं हूँ, ये आप लोगों को चुनना है। क्या मैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ या नहीं हूँ, ये भी आपको चुनना है। प्रधानमंत्री हमारे बढ़िया अच्छे हैं, क्या दोबारा प्रधानमंत्री बनना है, ये भी आप लोग बताएं। तो इस तरह की जब उन्होंने जनता पर काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी और जनता के बीच में उन्होंने अपने सिर्फ अपने काम की चर्चा करी, किसी की आलोचना नहीं करी, उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा कि काम के ऊपर बात करेंगे, मेरी लाडली योजना 1250 रुपये पर उन्होंने किस्त भी दे दी है, उन्होंने किस्त भी दी है, एक किस्त जा चुकी है, तो उन्होंने अपना बता दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की जीत हुई है और शिवराज सिंह पर जो भरोसा पार्टी ने नहीं दिखाया था, जो पहले मीडिया में भी चल रहा था, सूत्र भी बता रहे थे, उन्होंने एक तरह से क्लियर कर दिया कि शिवराज सिंह अकेले ही मध्य प्रदेश में चुनाव ले गए। भले ही 5-5 केंद्रीय मंत्री वहाँ पर रहे, पर कहीं ना कहीं वो उन लोगों में आपस में कितनी अच्छी बनती है या नहीं बनती है ये अभी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, पर ये है कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जरूर लड़े, पर शिवराज सिंह की मेहनत थी। इसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कांटे की टक्कर हमने पहले भी कहा था, सरकार बन रही है, हमने पहले से ही हर एपिसोड पे हमने कहा है कि सरकार बन रही है राजस्थान में, और राजस्थान में मगर बनेगी बड़ी कांटे की टक्कर पे, क्योंकि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पे वहाँ पर बाकी लोगों से विपरीत थी, उनकी अलग वो थे, उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से चीफ मिनिस्टर बनने की है, और कहा भी जाता है कि पिछले 30 सालों से एक साल गहलोत और एक साल वसुंधरा राजे, एक बारी मतलब टर्म उन दोनों के डिसाइड होते हैं कि एक बारी तुम चलाओ एक बारी हम चलाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी रोल वहाँ पर काटा गया और पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं करा और बाकी लोगों को उतार के उन्होंने आज इलेक्शन जीत लिया। वहाँ पर एंटी इनकम्पेंसी थी बिल्कुल कांग्रेस की, वहाँ पर महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे थे, जिस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक की वो हुई, इस तरह के कई मामले वहाँ पर सामने आए जहाँ जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और कई जगह तो ऐसा है कि जहाँ 8 या 9 मंत्री
8 से 9 मंत्री इनके हार गए, तो सोचिए कि कितनी बड़ी नाराजगी थी। मंत्री पद वाला आदमी व्यक्ति हार जाता है तो कितनी बड़ी नाराजगी जनता के बीच में थी, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। इसी प्रकार से अगर आप छत्तीसगढ़ में, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल विपरीत हुआ, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल दोनों बिल्कुल विपरीत हुए, जहां बिल्कुल वो अस्वस्थ थे कि मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम सुबह से भी कह रहे हैं कि सुबह के रुझानों में कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बनती भी नज़र आ रही थी, और वहाँ लड्डू भी बन चुके थे, सुबह ही काफ़ी लड्डू वहाँ पर बन चुके थे और ढोल नगाड़े सब बज चुके थे। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब साफ होते गए, तो तीन जगह से बहुत बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली है। इससे मैं कहूं कि अभी बीजेपी को इस चीज़ को भी देखना होगा कि कितनी कौन कौन सी सीटों पर हम कितने वोटों से जीते हैं, क्योंकि इसकी समीक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर 2024 को लेकर ये लोग अगर प्लान कर रहे हैं, तो इन लोगों को पहले से ही हर सीट पर काम करना होगा। और अभी से बोलते हैं ना कि अभी से उन ग्राउंड वर्क पे, अपने वादों पे, जो वादे अभी किए हैं, वो अगर अगले 3-4 महीनों में अगर उन्होंने पूरे नहीं करे, तो विपरीत स्थिति भी हो सकती है लोकसभा में। बिल्कुल, और ये समझना होगा हमें। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया हमने, राजस्थान का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया हमने, बात की शिवराज सिंह चौहान की, इधर वसुंधरा राजे की, और इधर भूपेश बघेल की। कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले, और उसी यात्रा का एक लाइन पकड़कर वो आगे सभी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन अपने वादे बताते बताते वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा टारगेट करते रहे, कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया कि ये हमारे लिए बात करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए आए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस का पूरी तरह से पतन। अब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो हर तरफ भगवा भगवा नजर आ रहा है, सिर्फ छिटपुट जगह छोड़कर। बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि इन्होंने इस वाक्य में हिंदुत्व एक अलग नज़र आ रहा है इसमें। और मैं राहुल गांधी के लिए बोलूं, राहुल गांधी में पहले से अभी तक में बहुत चेंजेस हैं, बट क्या होता है कि वो कई बार अपनी लाइन भूल जाते हैं। कई बार वो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान सजाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, और उनमें चेंजेस भी देख रहे थे। पर क्या है, उनकी पार्टी में लोग ऐसे हैं कि उनको खुद सीरियसली नहीं लेते। गहलोत ने उनको खुद सीरियसली नहीं लिया, उन दोनों के बीच की अनबन आपको दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से जब आप जो सीनियर हैं, वो उनको बच्चे, क्योंकि उन्होंने गोदी में खिलाया उनको, आज उनको कैसे मान लें, वो उनके अंदर गले में नहीं आ रही है वो अभी तक, कि राहुल गांधी को अपना नेता कैसे मान लें। ये सबसे बड़ा इनडिसिप्लिन है वहाँ पर। ये बीजेपी के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत क्लियर है। आप कितने वहाँ पर अभी भी जीत का जश्न मनाया जा रहा, पत्रकार कोशिश कर रहे हैं लोगों से पूछने की कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप किसको चाहते हो। ये सोचिए कि पार्टी में इतना डिसिप्लिन है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह रहा है कि जी हमारे यहाँ शिवराज को बनाओ या अलाने को बनाओ या फलाने को बनाओ। बोलते शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेगा। हमने तो मोदी को वोट दिया है, हमने तो बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है। तो वो क्लियर है, वहाँ डिसिप्लिन है, अभी तक तो है। अब आगे क्या होगा, ऐसी इस तरह से राजस्थान में भी है, कहीं पे भी अभी तक एक भी छुटपुट में सुनने को नहीं आया कहीं से, जहां अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस कितनी बार एक ही गलती कर रही है, 2019 में प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, ये भी किया, और उसके बाद नतीजे हमारे सामने थे। अब फिर वो पनौती लेकर आ गए। मतलब कहते हैं कि गलतियां कर करके इंसान सीखता है, लेकिन जब इंसान पूरी गलतियों को पुतला बन जाए तब इंसान क्या करे। देखिए, अब ऐसा यही है ना कि आप पनौती शब्द करो, आप चोर बोलो, आप कीचड़ जितना उछालोगे, भूल गए कि सामने वाले कमल वाले हैं। वो कमल को जो है वो कीचड़ में ही खिलता है, ये भूल गए। वो गालियों को भी संजोना जानते हैं, और गालियों को कैसे उपयोग करना वो जानते हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने साइलेंटली अपने काम करते रहे, जनता के बीच में जाते रहे। उनके यहाँ से आरएसएस काम कर रही थी, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हुई आरएसएस और रूट्स में घुसी। महिलाएं जितनी साइलेंट वोटर थी, महिलाओं ने खूब अच्छे से वोट किया। आप सोचिए कि किसको, किस महिला को नहीं चाहिए 22-23 की लड़की जो है, और पैंसठ साल की उम्र तक की महिलाओं के लिए योजना है, 1250 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में आ रहे हैं, पॉकेट मनी है। एक कॉलेज जा रही लड़की जो है, उसको अगर 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो उसका आने जाने का खर्चा निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कनेक्ट होते हैं। उन्होंने, शिवराज सिंह ने ऐसे ही कनेक्ट किया। और यहाँ पर जैसे राजस्थान में था कि इनके भ्रष्टाचार की काफ़ी बातें आगे आई, वो कितना, वो आगे का विषय है कि भ्रष्टाचार वाकई में कितना ज़्यादा था या कम था, वो जाँच का विषय है, पर थी ऐसे
ये बिल्कुल बात सत्य थी कि इनकी इनकी एंटी इनकम्पेंसी जो नज़र आ रही थी वो बिल्कुल हुआ है। अब इसी तरह से मैं बोलूं कि जिस जैसे डिसिप्लिन घर में परिवार में सबको रखना होता है ना, इसी देश के अंदर भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब मैं राहुल गांधी की बात करूँ, राहुल गांधी क्या है कि जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री, उनको सीधा अटैक नहीं करना चाहिए था, जनता के बीच से उनका कहना है कि जनता की जनता ने गाया पनौती, तो उनको भी उसी तरह से डिफेंसिव खेलना चाहिए था जैसे प्रधानमंत्री मोदी खेलते हैं, मूर्खों का सरदार, नाम नहीं लेते हो। अब मूर्ख कौन है वो अपने आप को डिसाइड कर ले, इसी तरह से इनको भी कुछ ऐसे ही खेलना चाहिए था। बोलते हैं कि अगर आप अच्छा अच्छा शासक नहीं हो सकते जो अच्छे शासक को फॉलो करना शुरू कर दो। अच्छा, एक और बात निकलकर सामने आई थी चुनाव से पहले ही कि मोदी मैजिक जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है। खुद आरएसएस की तरफ से चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन इन तीन राज्यों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है कोई चेहरा नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे जा रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक भ्रम टूट गया है जो विश्वास डगमगा रहा था। देखिए ऐसा है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर एनर्जी तो बहुत है, इस बात में तो कोई कमी है नहीं, वाकई में वो 17-18 घंटे काम करते हैं, ये बात भी क्लियर है। पर मैजिक कम हुआ है ये बिल्कुल आरएसएस भी कह रही थी, पर ये टीम वर्क है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी ने ही सब कुछ किया है। मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गडकरी ना होते तो क्या पॉसिबल था आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम इलेक्शन जीते हैं? ये बीजेपी का कहना है कि हम जीते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का रोल कम या ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप किसी को एक को ही अगर आप बोलो कि मोदी के चेहरे पर, हाँ परसेंटेज वाइज देखें, हाँ 45% मोदी के चेहरे पे और 55% जो है बाकी कामों के उस पर आए हैं, वादों के उस पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि नड्डा जी ने वहाँ पर रैलियाँ नहीं करी, नड्डा जी ने अपने काम नहीं किया, इसी तरह से आरएसएस ने काम नहीं किया। आरएसएस जितना साइलेंटली काम करता है ना, वैसे कोई भी अभी तक कोई संगठन सामने नहीं है कि जो इतना साइलेंटली काम करता है। आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है हर जगह। तो ये जो प्लानिंग है ये बड़ी ज़बरदस्त है। आप कितना भी कुछ भी कहते रहो, कैसे करते रहो, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पे काम किया, काम करते करते वो ये देख गए कि कहाँ पर ये लैग कर रहे हैं, कहाँ पर इन लोगों की आपस में नहीं बन रही है, उन्हीं वहीं पे से उन्होंने अपने आप को पिक किया। बोलते जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी शुरू होती है, इन्होंने वही किया, बीजेपी ने वही किया, जहाँ इनकी सोच खत्म हो रही थी वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी और जो जीता वही सिकंदर। लेकिन भूपेश बघेल का जो आज हम तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर की कल्पना शायद कांग्रेस ने भी कभी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम भी चर्चा करते रहे, आप भी लगातार कह रहे हैं कि बघेल साहब जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि भूपेश बघेल को लोग चाह रहे थे कि नहीं हो गया 5 साल अब बीजेपी को मौका देते हैं? ऐसा है, भूपेश बघेल साहब का एक महादेव ऐप लीड हुआ उनको, ठीक है, एन मौके पे महादेव ऐप का सामना है। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में फंड की कमी तो है, ये क्लियर है कि उनके पास फंड की कमी है, तभी उन्होंने ऐसे ऐप का सहारा लिया, ऐसी जगह से उन्होंने पैसे उगाने की कोशिश करी और पकड़े गए। और ये समझिए कि महादेव ऐप उनको महादेव के नाम पर अगर कोई चीज़ चल रही है तो महादेव माफ़ नहीं करने वाले, जनता माफ़ नहीं करने वाली। आप इतना हार्ड एंड मनी जनता का आप कैसे कर सकते हो ऐसा? तो ये चीज़ें उनको लेट हुई। बघेल साहब को इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, पर उनकी अपनी एक पर्सनल छवि काफ़ी अच्छी है। उम्मीद नहीं थी कि वो हारेंगे वहाँ पर से, जो मतलब ये ओपिनियन पोल एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे कि नहीं, तो इनको उम्मीद थी कि जो 3:1 हुआ है, 3:1 का जो है ये उल्टा होना चाहिए था, कांग्रेस के वह 3 जाने चाहिए थे। इनको मध्य प्रदेश से पूरी उम्मीद थी कि इनकी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ से पूरी उम्मीद थी, अभी कल मिजोरम है, इनको पूरी उम्मीद थी। पर अब क्या है कि सीरीज तो जीत गए हैं, अब सीरीज जीत चुकी है, जहाँ मतलब ये क्रिकेट मैच की तरह नहीं लगा आपको? आपको पूरा क्रिकेट मैच की तरह लगा, जैसे हमने वर्ल्ड कप को 45 दिन फॉलो किया, एक एक धोनी का नाम आज बहुत सामने आया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी धोनी की तरह खेलते हुए नजर आए, उन्होंने हर प्लेयर को अपना कहाँ कहाँ सेट किया, मतलब जो टीम 11 थी वो किस तरह से बैटिंग लाइन में सेट हुई, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन क्या करेगा, पूरा प्रॉपर एक धोनी की याद उन्होंने दिलाई कि धोनी भी इसी तरह से लास्ट तक संयम रहते हैं, संयम बरतते हैं और पूरी टीम को एकत्रित करके थे, इसी तरह से आज देखने को मिला। बम्पर जीत हुई, बम्पर जीत के पीछे इनको काम करना चाहिए, अब ये जीत का सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि लोकसभा सामने है और देश में आपको बदलाव के लिए लाया है, देश ने आपको दिया है, प्रदेश ने आपको आपके विश्वास जताया है, ये अगले के 6 महीने और डिसाइड करेंगे। पर हाँ, अभी
अब दूसरी चीज़ में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, इससे काफ़ी मंत्री बेरोजगार हो गए हैं, काफ़ी विधायक बेरोजगार हो गए हैं, पत्रकार, मैं तो हम 3-4 पत्रकारों को कंटिन्यूसली उनको वॉच करते हैं और उनको देखते हैं कि किस तरह से वो कल तक, कल रात तक उन्होंने ये तक अपना पोस्ट डाला था कि मोदी और शाह को नींद नहीं आ रही है, वो कहते हैं ना कि उनको नींद नहीं आ रही है, वो स्टाइल जो था ना आज उनकी नींद उड़ गई है, कल तक वो सिर्फ मोदी मोदी कहते थे, आज जी लगाना पड़ गया है उनको, उनको समझ में आ गया कि मोदी जी नहीं कहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, आज उनके उनके खुद ही आप देख लीजिएगा बिल्कुल चेंज नज़र आएगा। रवीश कुमार जी अभी एक वीडियो उन्होंने डाला है अभी, तो उन्होंने बोलते ना कुछ नहीं है तो खेल कुछ करवा दें अपना, मतलब अपनी रोटी तो सेक ही ले कैसे ना कैसे करके, पर ये है कि पत्रकार का धर्म जो है उससे भटक रहे थे कहीं ना कहीं, ये आप इनकी कल तक के पूरे वीडियो देखेंगे आप, अभिषार शर्मा हैं और दीपक शर्मा हैं, अजीत जम्मू कुमार हो गए, वो अगर बात की जाए प्रज्ञा मिश्रा की हम बात, बिल्कुल प्रज्ञा मिश्रा को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो हमेशा से ही एंटी चलती रही, कल रात तक भी उन्होंने भी फेसबुक लाइव भी करती है, वो यूट्यूब पे भी लाइव आती है, एंटी मोदी कुछ ना कुछ निकाल कर लेकर आती है, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। और मैं बोलूँ ये सब बेरोजगार हो गए हैं, अब ये सोचना है इनको, इनका मंथन का टाइम आ गया है कि क्या इन्होंने अभी तक जितनी पत्रकारिता की अब क्या ये ईवीएम मशीन को दोषी ठहराएंगे, या हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराने की, कल तक जैसे बात हो रही थी एक एक विधायक की कीमत 100 करोड़ रुपये, हमने कल भी खंडन किया था इस बात का कि ये गलत है ये इस तरह की बातें उठना, अगर आपने इसका मतलब कल ही हार मान ली थी, मैं कांग्रेस को कहूंगा कि उन्होंने एग्जिट पोल में ही हार मान ली थी जहां उन्होंने ये सगुफा छोड़ दिया था कि एक एक विधायक अपना 100 करोड़ रुपए की मूल्य लगा सकते हैं, तो अब तो 100 रुपए भी नहीं आए जेब में, एक तरह से बम्पर जीत हुई है, कहीं किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको। देखो कांग्रेस को अब ये भारी पड़ने वाला है जब ये गठबंधन की बात करते हैं 6 तारीख को, इनके 6 तारीख के इनके बीच में, मैंने आपको फिर कहा था कि दिसंबर तक जाते जाते अब दिसंबर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपने वो बदलाव आज देख लिया, मेरी पुरानी आप जितने भी इंटरव्यू और जितने भी अब हम प्रोग्राम देखेंगे, दिसंबर का मैंने प्रेडिक्शन किया था दिसंबर में बदलाव होगा, जनवरी में तो सब तहस नहस हो जाएगा, 22 जनवरी राम मंदिर पूरे हिंदुत्व को एक करेगा, और बीजेपी को बहुत संयम रखना होगा इस जगह, और कांग्रेस को अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए हम ये नहीं कहते कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत सारी चर्चाओं में हमने वामपंथियों का जिक्र किया, कांग्रेस को देखना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने अंदर ही रहकर कहीं ना कहीं अपनों को ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ही पार्टी को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नजर डाली होगी। लेकिन अगर कांग्रेस से देखिए, जितना भी हमने कांग्रेस को देखा या बीजेपी को देखा, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम करता है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता है, उसे हर अपनी योजना के बारे में को जो भी केंद्र सरकार की तरफ से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसे सब पता होता है, कांग्रेस में वो कमी नजर आती है, बिल्कुल कांग्रेस का माइंड मेकअप उतना बेस्ट नहीं होता, कांग्रेस का फ्यूचर प्लान उतना बेस्ट नहीं होता है, बातें तो कर दी जाती है बस खाना पूर्ति कहते हैं ना, वो मैनिफेस्टो ला के खाना पूर्ति कर दी जाती है, ना तो आपकी बातों में इतना वजन होता है कि जनता आपको सीरियसली ले, वरना जिस इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर राज किया और जिस इंदिरा गांधी ने वो दिखा दिया था कि हाँ एक औरत पूरे देश को किस तरह से चला सकती है, अपनी जिद पर उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी, इमरजेंसी में बहुत सारी ऐसी जो जन सुविधाएं थी उन पर भी रोक लगाती थी, तो उन्हीं के अब आगे जो वंशज है वो कुछ नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल देखो काजोल ऐसा है, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी 1.5 साल इनकी सरकार चली है वहाँ पर, इन्होंने एक वादा किया था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये नहीं कर पाए, ये भूल गए जीत के। देखिए जनता के मन में कोई ना कोई बात रह जाती है, और हम किसान और जवान को अगर भूल जाएंगे तो आप आगे सरकार में नहीं रह सकते, आप किसानों को इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी 60% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, किसान है, और किसान की वजह से हमारा भारत देश इतना महान है, ये बात हमें समझनी होगी, ये भूल गए, इन्होंने वादे किए, इनका गरीब लोग हैं वादे करो भूल जाओ कोई बात नहीं आगे बढ़ो, तो ये जो वोटर है ना वो वहीं से निकल के आता है, वो छुट्टी नहीं मनाता वोटर, वो वोट देने जरूर जाता है, उसके मन में जो टीस है ना वो 5 साल तक रहती है, और उन्होंने वो दिखाया, शिवराज सिंह जगह जगह पर गए, लोगों से कनेक्ट हुए, उन्होंने कहा सरकार तुम्हारी है सरकार मेरी नहीं है, मैं अच्छा मामा हूँ कि नहीं हूँ ये तुम तय करो,
अच्छा भाई हूं कि नहीं हूं ये तुम तय करो। तो ये चीज जब डिपेंडेंसी उन्होंने जनता के ऊपर दिखा दी कि तुम तय करो मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ये जब जनता बोलती है ये तो हमसे ही पूछ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आम जनता से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी हर एक बयान पर, हर एक मोमेंट पर, हर एक मूवमेंट पर बिल्कुल जनता की नजर बखूबी बनी रहती है। तो बीजेपी को 3 राज्यों में बंपर जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, और कहीं ना कहीं जिन वीडियोस में पहले हमारे हमने कहा था वो बातें सही साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को एक राज्य से संतुष्टि करनी होगी, तेलंगाना में बड़ा ब्रेक कांग्रेस को मिला है ये कहा जा सकता है। वहीं मिजोरम की अभी रिजल्ट आने बाकी है, कल रिजल्ट आएंगे, मिजोरम पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने सरकार को चुना है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जागरूक वोटर होने के नाते वोट किया। जी जैसे हमने कहा था कि वोट देने जरूर जाइएगा, आपने वोट दिया, नए बच्चे जितने आए 18 साल से प्लस जिन्होंने वोट दिया है, सरकार उन्होंने बनाई है, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ, अपने वोट का सदुपयोग किया, सही सरकार चुनी, और आगे भी इसी तरह से सजग रहें और वोट देते रहें और अपनी सरकार को हमेशा क्वेश्चन मार्क करते रहें।